और अब साथ मैं चलेंगे आपके साथ लाइक तो बाहर बार भी जाऊंगी, जो भी करूंगी, तो आपको भी ऑकवर्ड फील होगा क्योंकि आई एम काइंड ऑफ लाइक डिसेबल्ड नाउ. तो इसलिए अब मैं तो यही बोलूंगी कि आप ना ही मिलो मुझसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. आई कैन अंडरस्टैंड कैसा लग मेरे रहा को तो अब होगा। किसी के साथ बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगेगा. Hey guys, yes, Chaudhary back again with new video. आप सोच रहे होगे ना लीजा मेरे साथ में क्या कर रही है, वो भी मेरे इंट्रोडक्शन में। तो गाइज वीडियो में कुछ ऐसा हुआ है ना कि जो आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चलो आप वीडियो को एंजॉय करो, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, आई होप आप सब ठीक ही होंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि आज यश क्यों नहीं है, तो आपने देखा ही होगा वो ऑलरेडी मुझ पर बहुत प्रैंक कर चुका है. तो आज मैंने आदेश के साथ प्लान किया कि आज हम उस पर प्रैंक करेंगे. तो मैंने उसको कॉल करके बुला लिया है, वो आ रहा होगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा. तो प्रैंक क्या है, मैं ये आई पे लगाऊंगी ऐसे करके, एंड हम उसको बोलेंगे कि मेरी एक आई इंजर्ड हो गई है और वो परमानेंट आई साइड चली गई है. तो हम देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है. एक बार मैं उससे कॉल करके पूछती हूँ कितनी देर में आ रहा है. हेलो हेलो यश, कहाँ पे हो आप? तुम आ गए कॉफी शॉप पे? कॉफी शॉप पे नहीं मिल रहे आज हम तो? मैंने बताया था ना आपको पार्क में आना है. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. कितना टाइम लगेगा वाला आपको? पार्क है ना? वही वाले पार्क में आना है ना? हाँ हाँ हाँ. कितना टाइम लगेगा? मुझे ज्यादा देर नहीं, बस मैं आ रहा हूँ, रेडी हो गया था, बस पार्क तक आने में जितनी देर लगती है उतना टाइम लगेगा मुझको. चलो ठीक है, आ जाओ. ओके ओके ठीक है. ओके गाइस, वो आने वाला है तो मैं जल्दी से ये सेटअप कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है. ओके गाइस, फाइनली सब सेट हो चुका है. आई थिंक ये रियल लग रहा है ना बिल्कुल. सो वो आ ही रहा होगा. आदेश, उसको आते हुए रिकॉर्ड कर लेना. चलो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है. गाइस वो मेरे को दिख गया आते हुए दूर से. आदेश आप उनको रिकॉर्ड करो, मैं उल्टा होकर खड़ी हो रही हूँ, वरना वो मेरे को देख लेंगे. हाय. हेलो, क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैंने यही बताने के लिए आपको बुलाया आज. एक्चुअली कल रात को मैं जब सोने जा रही थी तो एक शार्प ऑब्जेक्ट मेरी आंख में आके गिर गया, तो रात को ही सर्जरी के लिए जाना पड़ा. एंड ऑल्सो तो फिर सर्जरी हुई मेरी रात को, मैं आपको फ़ोन पे नहीं बताना चाहती थी. एंड मेरी आई ऑलरेडी 80% डैमेज हो चुकी थी, तो अब इसकी आई साइट चली गई है एंड डॉक्टर बोल रहे हैं कि शायद नहीं आएगी. वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था, बट आई थॉट मुझे मिलके बताना चाहिए आपको, क्योंकि फ़ोन पे आपको समझ नहीं आता और आप समझते भी नहीं उतना अच्छे से, फील नहीं कर पाते जो रियल में होगा. इसलिए मेरा ना, मुझे ना अंदर से वाइब से आ रही थी कि शायद कुछ, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है, तो शायद यही होगा. जबकि मैंने बोला था आज आदेश को, मैंने कहा शूट करेंगे, तो वो कह रहा नहीं भैया तो कोई तबीयत ख़राब हो रही है कुछ ऐसे उन्होंने बोला. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले. तभी मैंने सोचा कि चलिए यार आज पर्सनल टाइम बिता देंगे. लास्ट प्रैंक में किया नहीं था, मैंने कहा चलो टाइम निकालना है हमें एक साथ में, तो मैंने आज यही सोचा था साथ में. अब मैं ये मतलब क्या बोला है? वही कि आपको वो ऑब्जेक्ट लगा उसकी वजह से आपके आई का लेंस खराब हो गया है, तो उसकी वजह से डैमेज हो गई, ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो आई कम्प्लीटली डैमेज है. जब कोई डोनेटर मिलता तो ठीक है, वरना कोई चांस नहीं है. तो फिर और अब मैं आपके साथ लाइक बार बार भी जाऊंगी, जो भी करूंगी, तो आपको भी ऑकवर्ड फील होगा क्योंकि आई एम काइंड ऑफ लाइक डिसेबल नाउ. तो इसलिए अब मैं तो यही बोलूंगी कि आप ना ही मिलो मुझसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. पता है सारे फैसले ना इंसान को अकेले नहीं करने चाहिए,
कभी कभी दूसरों से भी पूछ लेना चाहिए तो मैंने इसलिए तो आपको मिलने के लिए बुलाया ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आपको कैसा फील हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा। क्या है इसके आंखों के? मुझे खुद नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा बैठ जाऊँ, मैं आया तो बहुत खुशी से था। हाँ बिल्कुल, बैठना। नहीं नहीं ठीक है, बैठ जाओ। इट्स ओके, चलो ठीक है, बैठ जाती। आप ऐसे कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे और अजीब लगेगा। नहीं मतलब मैं कुछ और सोच के आया था। बता सकते हो आप मुझे? मैंने सोचा था कि मैं आज का दिन बहुत अच्छे से साथ में घूमूंगा फिरूंगा, पूरा दिन अच्छे से, एक होता है ना स्माइल वाला, खुशी वाला एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ में घूम के, है ना। होता है ना जो प्लान था हमारा इधर उधर घूमने फिरने का, वो सोचा था मैंने। मुझे भी नहीं पता था ना मेरी लाइफ में कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, मेरे बारे में तो सोचो कि मुझे कैसा लग रहा होगा। I can understand कैसा लगता है। मेरे को तो अब किसी के साथ बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रॉब्लम तो देखो किसी के साथ भी हो सकती है, कर मान लो मेरे साथ ही कुछ हो जाए ऐसी चीज या कुछ, तो आपको जीव नहीं लगेगा मेरे को अपने साथ में घुमाना इंडोल? ये अप्स एंड डाउन तो लगा रहता है। अगर आपको आई डोनेटर चाहिए तो एक काम करो ना, मेरी ले लो। कैसी बातें कर रहे हो आप? सच में मतलब चांसेस नहीं है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, कर लूंगी धीरे धीरे। एक्सेप्ट कर रखा है, चश्मा लगा लिया करना अगर तुम्हें अनकंफर्ट लगेगा तो। मुझे तो तुम ऐसे भी ठीक हो, मैं ऐसे भी तुम्हें घुमा सकता हूँ, ऐसे भी हर चीज खा सकता हूँ पी सकता हूँ। क्योंकि देखो मैंने ना क्या करा था, मैंने दिल देखा, दिल होता है ना दिल वो, और जबान है। हाँ अगर जबान में थोड़ी चोट लग जाती तो मुझे बुरा लगता, बट ये एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल फाइन हो मेरे को अपने साथ घुमाने में, अभी जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहे? हाँ। क्योंकि मुझे तो अजीब लगेगा, बट तुम्हें अजीब लगने से क्या होता है, मुझे तो अजीब नहीं लगेगा ना। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि कल को मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है ना, तो इस सिचुएशन में ये थोड़ी ना है। मैं भी तो अपने पार्टनर से ये होप रखूँगा कि वो मुझे कभी ना छोड़ के जाए। पार्टनरशिप क्या होती है, जब दिल से दिल की होती है ना, तो ऐसी दिमाग की भी होती है ना, एक दूसरे के दिमाग से सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है ना। देखोगे कितनी चोट लगी है मेरे को? दिखा दो। सच में? हंस रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने रिएक्ट करा, मुझे लगा कि शायद अब हम फिर से कभी ना मिले इस वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे साथ चोट लग जाएगी तो तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के चला जाएगा। नहीं ना, कोई भी नहीं करता ऐसे, नहीं छोड़ के कोई नहीं जाता। बिल्कुल करते हैं। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अगर ये तो मेरे लिए लगता है कि एक बहुत बड़ी बात भी है, और अगर इसे सोचो तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो जाएगा, कुछ पता थोड़ी ना है। तब मैं क्या, तुम बात करना बंद कर दोगे, मिलना बंद कर दोगे? बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने इतने अच्छे से रिएक्ट किया। मुझे लगा कि आप थोड़े सोचोगे कि ये क्या हो गया, क्या सोचूंगा कि लग गई बेकार हो गई ऐसे ही कुछ, उससे क्या फर्क पड़ता। फिर मुझे अपने ऊपर ही बुरा लगता ना कि मैंने क्या यार, मतलब मैं सिर्फ यही चाहता था कि जो उसके ऊपर की खूबसूरती है वो मेरे लिए मैटर करती है। नहीं यार, अंदर का जो दिल है, दिल तो तुम्हारा वही है, दिल तो वही रहने वाला है ना। अब मान लो अगर सपोज प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाए और उसके बाद में चेहरा चेंज हो जाए, दिल तो वही रहेगा ना। तो दिल का कनेक्शन कभी चेंज नहीं होता। रुको मैं आपको दिखा चुकी हूँ मुझे कितनी लगी है। वैसे तो ये डॉक्टर ने करने के लिए मना किया है, बट अब खुद ही उतार लो ना, मुझसे नहीं उतरेगा। नहीं मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं ऐसे, वैसे बड़ा है लेकिन जख्म नहीं देख सकता मैं किसी। रुको मैं ट्राई करती हूँ, रहन दो ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं ना, प्लीज मेरे को दिखाना है आपको। कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, रहने दो, छोड़ो ना, मुझे नहीं देखनी। अरे रहन दो, समझा करो। हमेशा आप ही प्रैंक कर सकते हो क्या? आप नाराज हो गए?
मैं नाराज हुई थी क्या आपके प्रैंक की वजह से? पता है ये गलत है, कभी भी ना जो ये होती है ना एक्सीडेंट या फिजिकल कुछ भी या बीमारी का कुछ भी, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए एज अ प्रैंक। ठीक है तुम्हारा आइडिया अच्छा था कि माहौल हंसता हुआ उसमें बदल गया खामोशी में, मतलब मुझे वो बुरा नहीं लगा था ये जो हो रहा था, ये बुरा लगा कि तुमने अपने साथ में ऐसी चीज। अच्छा सॉरी ना। अच्छा वो देखो आदेश, वो बीमार नहीं है। मेरे से कह दिया भैया मैं बीमार हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ। यार ये गलत बात है यार, आप लोग बताओ कि जैसे इन्होंने किया वो करना चाहिए क्या? मतलब अपने आज प्रैंक स्टार पे प्रैंक हुआ है तो वो नाराज होके दिखा रहा है, और जो सबके साथ प्रैंक करता रहता है तब नाराज वाली बात नहीं है, बुरा ये लगा कि इन्होंने आइडिया ऐसा वाला चूज किया। मेरी जगह कोई भी होगा यार वो सेंटी हो ही जाएगा, कोई भी सेंटी हो ही जाएगा यार। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ गई मैं, यू केयर फॉर मी, यही तो देखना था। दिमाग को ना टाइम लगता है एकदम वैसे आने में, क्योंकि मैं उस चीज को इमेजिन कर रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। आप खुश हो, आप डोनेटर भी नहीं चाहिए। खुश नहीं हूँ मैं, आप ज्यादा दुखी। अब मन कर रहा है कि मुंह फोड़ दो इनका। हरकतें तो वैसे वो जो दिन थप्पड़ मेरे को पड़ा था ना, सच बताऊं तो वो आज इनको पड़ना चाहिए, बट हैबिट नहीं है ना यार। हैबिट एक तो मार लो, मार लो यार आपको अच्छा लगे तो। कोई बात बट यार गलत बात है, नहीं करते ऐसे, से सॉरी। सॉरी प्रैंक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मत करना एक्सीडेंटल काइंड। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान गाइस। कोई दिक्कत नहीं, कान पकड़ो। कान पकड़ के सॉरी बोलो। नहीं तो और क्या, लोग भी बोलेंगे नहीं तो यार लीजा ने गलत वाला आईडिया। अच्छा ठीक है सॉरी, गुड गर्ल। तो मतलब तुमने करा क्यों, तुम कहाँ डालोगी इसको? आपको ही डालना है अपने पेज पे, आपके साथ प्रैंक हो रहा है तो मतलब नहीं डालोगे? तुम कहाँ डालोगे यार इसको? डालना पड़ेगा गाइस, आई विल मेक श्योर ये वीडियो पोस्ट हो। मैं तो पता है ऐसा हुआ था कि मतलब मैं इतना खामोश हो गया था कि मैंने सोचा था कि मुझे ना वहाँ पे बैठना है, क्योंकि खड़े होके ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बात करनी है। थैंक यू यार इतने अच्छे से रिएक्ट करने के लिए, चलो घूमने चलेंगे, हो गया प्रैंक। क्या खाना है पीना है, कहाँ जाना है? चलते हैं अपनी फेवरेट कॉफी शॉप पे, पहले कॉफी पीते हैं देन सी क्या होता है। बट यार कोई नहीं, इनके जो एफर्ट थे बहुत अच्छे थे। मुझे भी अच्छा लगा और बुरा भी लगा, दोनों लगा। लेट्स सी कल को देखो, कुछ पता बुरा कब लगेगा, जब किसी दिन मैं ऐसी कोई चीज करूंगा ना तब बुरा लगेगा, सोचना भी मत। हाँ इसीलिए एक्सीडेंट वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो रियल भी हो जाती है, मेन बात यह है। कभी कभी जिंदगी में वो जरूर होता है जो हम देखना चाहते हैं ना, वो चीज हमारे सामने सामने आ जाती है। कोई कभी कभी हमारे झूठ ही सच में बदल जाते हैं, इसलिए बुरा लगा, और कोई बात नहीं है। अच्छा था, बढ़िया है, साथ रह के सीखी, सीख गई और सिखा दिया। कुछ टाइम बाद मैं भी प्रैंक स्टार बन जाऊंगी, ओह माय गॉड, बट विद बेटर आइडियाज। तो गाइस एंजॉय करो यार, मुझे तो अच्छा भी लगा, बढ़िया है, मजा आया। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो, ये भी आप ही बोल दो। नहीं ये सब आपने मुझे ही अच्छा लगता है। चैनल पे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, और थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप दे रहे हो, इसी तरह से बनाए रखो। एंड वी आर ट्राइंग कि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डेली बेसिस पे ला सकें, कुछ और भी प्लान किया हुआ है करेंगे, तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू गाइस। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे की